हिमाचल प्रदेश में 12वीं के नतीजों को लेकर हिमाचल सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसे आज की कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 12वीं के नतीजों में थ्योरी के अंकों की गणना के लिए 10वीं के रिजल्ट का 10% वेटेज लिया जाएगा। इसके साथ ही 11वीं क्लास का 15% वेटेज लिया जाएगा और 12वीं के फर्स्ट और सेकेंड टर्म के अलावा प्री बोर्ड की परफॉर्मेंस से भी 55% वेटेज लिया जाएगा। इसके साथ साथ अंग्रेजी विषय के रिजल्ट को 5% का वेटेज देने और इंटरनल असेसमेंट में 15% का वेटेज रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि 12वीं के नतीजों की घोषणा जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते तक कर दी जाएगी। इसके साथ ही हिमाचल कैबिनेट ने गर्मियों में बंद होने वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में 26 जून से 25 जुलाई तक एक महीने की छुट्टी देने की इजाज़त दी है। कुल्लू जिले में 23 जुलाई से 14 अगस्त तक 23 दिनों का अवकाश रहेगा। इसके अलावा लाहौल स्पीति में इस साल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक महीने का अवकाश रहेगा। सर्दियों में अवकाश वाले विद्यालयों में अध्यापक 1 जुलाई 2021 से स्कूलों में आना शुरू करेंगे, जबकि छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा।